क्या करूं? अभी जस्ट पूजा करके आई है, अभी भगवती पूजा चल रहा है, माला प्राप्त हुआ है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल देवरियन फैमिली में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत हुआ है भगवती का माला से, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हाँ, लड्डू भी मिला है जरा सा। इतना प्रसाद भी है। हाँ, ये प्रसाद भी मिला है। ये हमारी YouTube फैमिली के लिए है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जरा सा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं कि आपको रोज एक कुछ इंटरटेनिंग व्लॉग दिखाए, जो अपना दिन भर का अपना जो दिनचर्या होता है वो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। शुभम है नहीं घर में तो थोड़ा सूना सूना लगता है, थोड़ा डांट वांट सुनते रहता है बीच बीच में, थोड़ा अल्लाह वल्ला होते रहता है तो अच्छा लगता है। आपको दिखाएं कि कल उसको छोड़ के आए हैं वहाँ पे रमनीडी में, अब दो तीन दिन उधर ही रहने वाला है, फिर हम लेने के लिए वहाँ उसको जाने वाले हैं। उसको जल्दी ले, उसको बोलता है हमको वहीं मन लगता है। तुमको मन नहीं लगता और उसको उधर वहीं मन लग रहा है। कैसे वो जाएगा हॉस्टल तो हम कैसे रहेंगे, बाहर जाएगा तब कैसे रहेंगे। अब तो 12th उसका लास्ट अभी एग्जाम, अभी प्री बोर्ड उसने दे दिया है, मार्च में होगा अगर सब कुछ कोरोना वोना सब ठीक रहा तो, मार्च में उसका फाइनल एग्जाम हो जाएगा 12th पास करने के बाद। उसको फिर बाहर भी तो जाना ही पड़ेगा, हॉस्टल भी क्या करोगी, अकेले रहने का आदत डालो थोड़ा। अच्छा चले जाना, हम अकेले रहेंगे। पानी गरम हो गया अभी, हम लोग पूरा अभी सब पूरा फैमिली हम लोग एकदम गरम पानी पी रहे हैं। तीन तीन थर्मस है, 1 2 3, तीनों में गरम पानी भरा हुआ रहता है, बस जिसको पीना है वो अपना गरम पानी ही पीजिए। सब रिफिल हो रहा है अभी। उसे अभी हम पूछे लैपटॉप का पासवर्ड, उसको याद भी नहीं है, उसको लगता है रीसेट करवाना पड़ेगा। ये क्या है कि एक हमारा लैपटॉप था वो ख़राब हो गया है, पुराना लैपटॉप है तो उसको ठीक करने दिया, वहाँ से फ़ोन आया कि इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही भूल गया है। सुबह में पासवर्ड जो है उसे पूछे तो बोलता है हमको याद भी नहीं है। हो गया शाम का 5, खा पी के भरदम सूत गए थे, और अभी जुनू का अभी तक तबीयत उस हिसाब से ठीक हुआ नहीं है, खांसी वांसी पूरा हो रहा है इसको। शाम का समय हो रहा है, शुभम भी नहीं है तो अभी हम ही को संध्या देना पड़ेगा। तो कपड़ा उपड़ा है छत पर, उसको भी उतार लेते हैं सबसे पहले। जुनू बोलिए उसको ऊपर ही रख दीजिए, अभी ज़्यादा उतारने का ज़रूरत नहीं है, 3-4 कपड़ा ही है आज तो, ज़्यादा है भी नहीं, उतार लिया जाए। ये ऊपर का रूम है, इसमें को रहता है नहीं छत का रूम में, तो इसमें ऐसा ही सामान वामान पड़ा रहता है। नीचे तो अपना 3 रूम ही है तो बंद ही पड़ा रहता है, बस केवल सामान वामान ऐसे ही सब। और अभी क्या है कि बहुत सारा कपड़ा सूखा नहीं है तो उसको अभी फिर दे दिए, सुबह सूखेगा। तो इधर का सारा काम हो गया, अब देना है सांझ, अगरबत्ती वगैरह दिखा देते हैं। ये सांझ। जुनू भाई चाय, बेचारी ओढ़ ओढ़ के बैठी है, खांसी जबरदस्त हो रहा है। दे सीजू पत्ते। घर के पास में, मेरे घर में ही एक पेड़ है, उसको सीजू का पेड़ बोलते हैं। और इस पत्ते की खूबी क्या है कि कितना भी पुराना खांसी हो ना वो ठीक हो जाता है। उनको बहुत खांसी है और 2-3-4 दिन से वो कफ सिरप पी रही थी, इनको फ़ायदा फिलहाल नहीं हुआ है। आग में पका के दिखाते हैं उसको, फिर उसका रस निकालना, जरा सा उसको पी लेना है, कम से कम उसको 2-3 बार में पीजिए। सही बात आपको बता रहे हैं, कितना भी पुराना खांसी हो ना वो आपका छूट जाएगा। ये यही पेड़ है सिज्जू का, इसी कहते हैं सिज्जू का पेड़। कांटा भी इसमें होता है पूरा, देखिए कांटा है ना पूरा,
इसको बचा के तोड़ना है। ये जो पत्ता लाए हैं इसको बढ़िया से धो लेना है, क्योंकि वास्तविक भाई बाहर है तो गंदगी है। अभी क्या है कि इस पत्ते को इसमें इसको ऐसे कर दीजिए, इसको जरा पका देना है। एक एक करके पकाएंगे होता है काफ़ी हार्ड, तो इसको बस सॉफ्ट करना है, पिच कर देना है इसको। जुनू हेल्प कर रही है इसको, इस सॉफ्ट हो गया पत्ता। अब जो है इसको यही रस बहुत थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही जल गया क्या? अच्छा जल है, जलने दीजिए, नहीं इतना ही किए वही बहुत किए। अब इसमें क्या करना है कि काला नमक दे देना है। हाँ इतना ही तो होता है, चाहे एक चम्मच ही काफ़ी है। नहीं दवाई की जैसे इसमें काला नमक दे रही है या कप सिरप देसी। अब इसको फिर कल पिलाना है एक बार, फिर एक बार परसों पिलाएंगे, कल दो बार पिलाएंगे तब जल्दी ठीक होगा। कल हम एक बार भी नहीं पीएंगे। क्या है कल मेरा ट्यूसडे है, जितना बार पिलाना आदि पिलाना। इसका फास्टिंग ही चलते रहता है, और ये ऑनलाइन दवाई आ गया है हम लोग का, दवाई मिला लेंगे। कैची हम लोग दवाई मंगाते हैं, इसमें फायदा क्या होता है कि 20% तक लगभग डिस्काउंट हम लोग को मिल जाता है। इसको मिला लो अपना। अनबॉक्सिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट का भी अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये जुनू चाय बना रही है, और मेरा तो भाई बिना शुगर वाला। सेब खराब हो गया? हाँ नहीं, ये पूरा सेब देखने में रंग कैसे लग रहा था। अजीब सा लग रहा है, फ्रिज में रखना था ना। सही, फ्रिज में नहीं रखते अभी। ये आधा से भी कम देना चाय, कि शाम का चाय पीते हैं बस उसके लिए पीना है। आज नया दूध वाला लगा, पुराना दूध वाला को बड़ी पानी मिला रहा था। रोज कह रहा था कि एक नंबर दूध दे रहे, एक नंबर। ये वाला भी कितना दिन चलता है, हमारे घर में तो 0% टॉलरेंस है भाई। थैंक यू। दूध तो अभी आज फिलहाल अच्छा है, पहला दिन ही है, होप। अभी जुनू को ऑर्डर हुआ है कि मोमो खाएंगे। भाई तबीयत खराब है उसको, जो बोलो कि वो तो पूरा करना पड़ेगा ही। घर के बगल में मिलता है बड़ा फेमस मोमो है बिलासी का। अब बहुत लोग बताया तो ये बिलासी में इतना अच्छा फेमस मिलता है, हमको तो पता ही नहीं था। दुर्गा पूजा जो हम लोग करते हैं उसी के ठीक सामने में, ऊपर बिलासी दुर्गा पूजा समिति के सामने में ही है। मेरा ब्लॉग अभी जस्ट पब्लिश हुआ है। स्वागत है हमारे चैनल देवघर फैमिली में, अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोमो पार्टी होने वाला है, रंजू और गोपा भाभी आ रही है, तो मैं है मोमो, स्टीम वाला भी है और फ्राई वाला भी है। और ये आया है गाजर का हलवा। अब खाने में कैसा है, इसका फेमस है, फर्स्ट क्लास खा लिए, बहुत टेस्टी था मोमो और गाजर का हलवा भी। सोचे कितना खाना दिखाया इसलिए हम दिखाए नहीं व्लॉग में। खेलने भी आज नहीं गए, सब लोग आए थे थोड़ा, सब मिलके हम लोग यहाँ सब बैठे बैठे मीटिंग वीटिंग हुआ, उसके बाद खा पी के सब लोग निकल गए। ये अभी दूसरा बार पी रही है, उस टाइम तो मेरे से निकले ही नहीं इतना रस। असल में इसको बहुत ज़्यादा जला देते, एक्चुअली क्या है कि ये केवल इसको आग पे चढ़ाने का मतलब है कि इसको केवल सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करने से तब गराता है रस। और क्या है ना कि हमेशा हमको मेरी माँ ने ही करके दिया है ऐसा करके, तो कभी हम देखे नहीं उसको बनाते कैसे है। इसको जलाना होता है तो हम पूरा उसको पूरा काला टाइप काल कर दिए थे। अभी हम लोग का प्लान हुआ है मूवी देखेंगे, एक कोई भी एक तो देखते हैं अभी प्राइम में, कोई मूवी है होगा तो एक थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अभी बजे हैं रात के 9, तो 11:30 तक देखेंगे, फिर सो जाना है। हम लोग अभी मूवी देख रहे हैं बंटी और बबली, नया वाला सैफ अली खान पार्ट 2। बहुत दिन बाद मूवी देख रहे हैं, और हम पी रहे हैं दूध विथ हॉर्लिक्स। जुनू माई एकदम सीरियस है। मूवी कंप्लीट हो गया, बढ़िया पिक्चर था, थोड़ा हंसी लगा, कॉमेडी था, वही बंटी बबली 1 वाला जो था उसी तरह से कुछ था, तो देख सकते हैं, एक टाइम देखा जा सकता है। रात का हो गए है 12:15, अब सोया जाए। सब्सक्राइब लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो तब तक के लिए
बाय बाय।